Before starting the video, I would like to tell you something about IBPSguide.com. In their website, they provide a daily free question which help you to boost your preparation either for banking or SSC examination. Also, you can check out their test series which has high standard question with a detailed solution, and at the end of the each test, we provide with smart analysis that how well you performed, which are the area you must work on, and also test series are available in both language, that is Hindi as well as English. It is accessible on both desktop as well as mobile app, whichever suits on you. For more information, you can visit estore.ipsguide.com. Now let's move toward our video. Hello and welcome to IPS Guide, friends. So, आज के session में हम लोग reasoning करेंगे. High level puzzle होगी. Day one है. ये puzzle आपको English के format में भी पूरी दी हुई है, क्योंकि English में पूरा explanation. इस पूरे वीडियो में आपको हिंदी में पूरा एक्सप्लेनेशन मिलेगा, जो कि इंपॉर्टेंट है आईबीपीएस क्लर्क मेंस 2018 के लिए. इस टाइप की पजल्स आपको देखने को मिल सकती है, तो एक बार जरूर लगा लीजिए. चलिए बढ़ते हैं पजल की ओर. पजल कहती है कि स्टडी द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन टू आंसर द गिवन क्वेश्चन. 7% वर बॉर्न इन 6 डिफरेंट ईयर्स. 7 लोग हैं जो कि 6 डिफरेंट ईयर्स में हैं, बॉर्न किए. देयर एज वाज कैलकुलेटेड विद रिस्पेक्ट टू 2018. तो बेस ईयर क्या है? 2018 है, ठीक है ना. And none of them was born before 1950. मतलब 1949 का कोई नहीं हो सकता, 1951, 52, 53 या 63, 73 का हो, but जो maximum है वो 1950 है. तो अगर हम 2018 में से 1950 हटा दें, तो मेरे पास आएगा 68. तो मतलब जो 7% है, उनमें से किसी एक की भी, उन सातों की person की एज 68 को exceed नहीं करेगी. मतलब किसी की एज 65, 52, 32, 62, लेकिन 72 या 69 भी नहीं हो सकती. किसी की भी 79, 69 नहीं हो सकती, ठीक है ना. तो जो भी होगी वो 68 के अंदर ही होगी, जिसकी भी एज होगी. उसके बाद कह रहे हैं कि दे बिलोंग टू डिफरेंट प्रोफेशनल. तो उनके प्रोफेशनल्स का नाम दे रखा है, लाइक मैनेजर, एचआर, आर्टिस्ट, डॉक्टर, टीचर, इंजीनियर, पायलट, बट नॉट नेसेसरी इन द सेम ऑर्डर. पर ध्यान देने वाली बात यह कि अभी उन 7 पर्सन का नाम ही नहीं हमको एक साथ दिया है. इसमें देता राजू राम, राजू, रोहन, सोहन, दे आर द 7 पर्सन. नहीं, अभी नहीं, हमको क्वेश्चंस में ही कहीं ना कहीं दिया हुआ है. अब नोट है ये, देखो इसको ध्यान से, ये हाईलाइट नहीं है पर ध्यान से देने वाला है कि इफ द पर्सन एज इज कंसिडर्ड एज लास्ट टू डिजिट ऑफ अनदर पर्सन ऑफ बर्थ ईयर, देन इट विल बी एट एनी सीक्वेंस. अब देखो यहां पर मैं आपको फॉर एग्जाम्पल वाली बात को समझा देता हूं. अगर किसी की एज का बर्थ ईयर जो है वो है 1963, क्योंकि भाई 50 के बाद ही होनी है, तो लास्ट टू डिजिट को लिया तो किसी की एज 63 भी हो सकती है या फिर 36 भी हो सकती है. तो एट एनी सीक्वेंस, एट इट विल बी एट एनी सीक्वेंस, मतलब 63 या 36 कोई भी सीक्वेंस हो सकता है. बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? आ रही होगी. इसको रब कर दो अब, ठीक है ना. अब आगे पढ़ो क्या कहता है, एक एक चीज को पढ़ते हैं. फॉर एग्जाम्पल ये बताया गया एग्जाम्पल. अब यहां से हमारी पजल शुरू होती है और कहते हैं कि संजय इज 57 ईयर ओल्ड. तो यार देखो संजय यहां लिख दो, संजय, ठीक है, इसकी एज क्या है 57 ईयर है, ठीक. लेकिन अगर हम बर्थ ईयर निकालना चाहे तो 2018 में से माइनस कर देंगे 57, तो मेरे पास बर्थ ईयर आ जाएगा 1961. तो बर्थ ईयर, अभी इसका प्रोफेशनल नहीं लिख रहा है मैंने, तो मैं यहां इतने में प्रोफेशनल लिख दूंगा. द एज ऑफ द वन हु इज पायलट, अ पायलट की इज इक्वल टू द लास्ट टू डिजिट ऑफ द बर्थ ईयर ऑफ संजय. सो बर्थ ईयर ऑफ संजय क्या है? 1961, ठीक. तो पायलट की क्या होगी एज बताइए? पायलट की एज या तो 61 हो सकती है या फिर 16 हो सकती है. 16 वाला काफी छोटा हो गया, बच्चा हो गया. ऐसा नहीं है, ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं लगाना कि 16 वाली तो होगी नहीं क्योंकि ये तो अंडर एज है. नहीं, ऐसा नहीं है, पजल है, ठीक है. तो 61 या तो फिर 16 हो सकती है. तो पायलट वाले की एज आ गई आपकी, दो एज आ गई, ठीक है ना. तो अब देखो हमने क्या किया, दो केस लेके चलने हैं. तो संजय यहां लिख दिए, यहां पे भी संजय 57 और 1961, ठीक है. अब पायलट यहां लिखा, क्योंकि यहां पे लास्ट वाले कॉलम पे हम क्या लिख रहे हैं, प्रोफेशनल लिख रहे हैं. पायलट यहां लिखा, पायलट यहां पे भी लिखा. अब पायलट की कितनी एज आई? दो एज आई, या तो वो 16 का हो सकता है या वो 61 का हो सकता है. अगर 61 का हुआ तो क्या
बर्थ ईयर आएगा, और अगर 16 का हुआ तो क्या बर्थ ईयर आएगा, अगर 16 का हुआ तो बर्थ ईयर आएगा 2002, और अगर आपका 61 का हुआ तो क्या आएगा 8 में से 8 माइनस 1 दैट इज 7, 1 माइनस 6 माइनस 10 माइनस 5 1957, तो 1957 सबका बर्थ ईयर लिखता हुआ मैं चल रहा हूँ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे, यहाँ तक किसी को भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं, पायलट की दो एज आ जाएंगी क्योंकि 61 और या 16, क्योंकि एट एनी सीक्वेंस लिखा था पहले ही हमने समझ लिया था। अब आगे पढ़ो, द डिफरेंस, अब देखो द डिफरेंस बिटवीन द एज ऑफ सारन एंड द वन हु इज पायलट इज 20, सारन एंड पायलट की एज का डिफरेंस जो है वो 20। अच्छा, एज डिफरेंस देखा जाए तो दो तरीके से निकल सकती है, या तो वो प्लस में भी हो सकती है या तो फिर वो माइनस में भी हो सकती है। तो मान लो जैसे पायलट की एज है आपकी, अभी समझा रहा हूं से 61, तो सारन की एज जो हो सकती है वो दो हो सकती है, या तो वो 81 हो सकती है या फिर वो सारन की एज हो सकती है क्या 41 हो सकती है। क्यों? क्योंकि अगर हम 61 में प्लस 20 कर देंगे तो भी देखो मेरा 81 आ जाएगा, और 61 में माइनस 20 कर देंगे तो भी मेरी एज डिफरेंस का क्या आएगा, क्या आएगा डिफरेंस, वही होगा यार 20 तो होगा, पर ये वाला केस हम रिजेक्ट कर देंगे क्योंकि सारन की एज कभी 81 नहीं हो सकती, बट सारन की एज 41 हो सकती है, ठीक है ना। तो हमने क्या किया कि ठीक है पायलट की एज अगर 61 मानते हैं, तो पायलट की एज अगर हम 61 मानते हैं तो जो जो आपका सारन होगा, सारन यहां लिख देते हैं, सारन, सारन की एज जो हो जाएगी वो हो जाएगी 41, ठीक है ना। बट अगर हम पायलट की एज हम 16 मानते हैं तो ऑफकोर्स सारन की एज माइनस में तो जाएगी नहीं, 16 माइनस 20 हम कर नहीं सकते, तो 16 प्लस 20 करेंगे जाते 36, सारन की एज हो जाएगी, सारण की एज हो जाएगी 36, और वो उसका बर्थ ईयर अगर हम देखा जाए तो 1982 आएगा, 1982 आएगा। यहां तक क्लियर है, कोई भी डाउट नहीं है किसी को भी, ठीक है ना। अच्छा, अब इसको भी रब कर देते हैं, रब करते हुए चल रहा। अच्छा, आगे पढ़ते हैं, द एज ऑफ द इंजीनियर इज इक्वल टू द लास्ट टू डिजिट ऑफ द बर्थ ईयर ऑफ सारण। अच्छा, सारण की बर्थ ईयर, ओके, तो यहां पे पहले बर्थ ईयर भी निकालना जरूरी है क्योंकि सारण की बर्थ ईयर पे किसकी एज डिपेंड है, किसकी एज डिपेंड है, द एज ऑफ द इंजीनियर की डिपेंड है, बात समझ रहे हैं। तो अब हम पहले सारण का बर्थ ईयर यहां पे भी निकाल लेते हैं, तो 2018 है, 41 माइनस करेंगे तो 8 में से एक जाएगा 7, और 1 माइनस 4 माइनस 7 एंड दिस 1970, तो यहां आपने लिख दीजिए 1977, ठीक है। अब देखो एक बात बताना, इस वाले केस की मैं बात कर रहा हूं अभी सिर्फ इस वाले केस की बात कर रहा हूं, यहां वाले केस की, ठीक है ना। यहां वाले केस में देखो क्या कह रहा है, द एज ऑफ द इंजीनियर इज इक्वल टू द लास्ट डिजिट ऑफ द बर्थ ईयर ऑफ सारन, लास्ट डिजिट यहां पे क्या है 7.7, तो या तो 77 आएगी बस, और यही आएगी क्योंकि सीक्वेंस को भी बदल के देख लो तो अभी 77 ही तो रहेगा, और किसी की भी एज उन 7% में 68 को एक्सीड नहीं कर रही थी, यहां तो अगर हम देखा जाए इंजीनियर की एज 77 होगी, केस फेल हो गया। यहां वाले की बात करते हैं तो यहां मेरे पास दो नंबर है, देखो 1982 की बात करें तो 82 एक एज आएगी और एक 28 आएगी इंजीनियर की, ये तो रिजेक्ट हो गई क्योंकि 68 से ज्यादा नहीं हो सकती किसी की भी, तो 28 ही होगी, तो 28 होगी, तो मैंने यहां 28 लिखा, और यहां पे ऐसे करके 28 लिखने के बाद इसका बर्थ ईयर लिख दिया 1990, और यहां लिख दिया इंजीनियर, ठीक है ना, क्योंकि इंजीनियर की एज आ जाएगी ये, जैसा कि यहां पे बोला गया था, कोई दिक्कत नहीं यहां तक किसी को भी। अच्छा, अब आगे पढ़ते हैं कि क्या बोलता है क्वेश्चन हमसे, क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि विजय इज अ डॉक्टर, विजय इज अ डॉक्टर एंड वन ऑफ द पर्सन बोर्न इन 1973, ही इज नाइदर द विजय और सतीश, ओके, कोई एक पर्सन है जो कि 1973 में बॉर्न करना है, और वो ना तो विजय है ना तो वो सतीश है, ठीक है, और विजय इज अ डॉक्टर, सो विजय इज अ पायलट, नहीं विजय इज इंजीनियर, नहीं तो विजय कोई दूसरा पर्सन होगा, तो उसके बारे में यहां लिख दिया विजय, और विजय क्या है वो एक डॉक्टर है। यहां तक क्लियर है, कोई भी डाउट किसी को भी नहीं होना चाहिए यहां तक, ठीक है। अब ये कह रहा है कि किसी एज किसी एक पर्सन की 1973 है, पर वो पर्सन ना तो वो विजय है ना तो वो सतीश है, तो मतलब यहां विजय पे 1973 इट मींस 1973 मतलब मींस 45 ईयर का कोई भी नहीं है, ये मतलब विजय 45 वाला नहीं है। अच्छा, आगे पढ़ते हैं,
The age of Joseph and Kevin are even number. Okay. Joseph and Kevin, जो कि एज होगी वो इवन होगी, वो मैंने लिख ली. द वन हु इज एच आर इज 6 ईयर यंगर देन समीर, मतलब समीर से 6 साल छोटा कौन पर्सन है, वो एच आर है. तो अगर हम देखा जाए तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि समीर माइनस 6 ईयर इक्वल्स टू, हमें पता चल जाएगा एच आर की एज. अच्छा, जोसेफ इज नॉट इंजीनियर, ठीक है, इंजीनियर यहां आया तो यहां पे हमारा तो जोसेफ तो नहीं आएगा, जोसेफ नहीं आएगा. ठीक है, आगे देखो क्या कहता है. जोसेफ इज द सम एज ऑफ द वन हु इज टीचर एंड द वन हु इज इंजीनियर इज इक्वल टू द विजय's प्रेजेंट एज. सो टीचर प्लस इंजीनियर, तो विजय की एज आ जाएगी. ठीक, विजय की एज आ जाएगी, लेकिन मुझे पता है 1973 का एक नाम का कोई पर्सन है जिस जो विजय नहीं है और सतीश नहीं है. तो डेफिनेटली कि मैं एक काम करूंगा कि मैं एक 1973 लिख के यहां लिख दूंगा और यहां पे सतीश नहीं होगा. अच्छा, इसकी एज क्या होगी, 1973 है तो मतलब इसका एज हो जाएगी 45. ठीक है ना, इसकी एज हो जाएगी 45. अब एक बात बताओ, यहां पे ना तो विजय आएगा ना तो सतीश आएगा. अब देखो कितने लोग थे, अब मेरा दिमाग ये कहेगा कि कितने लोग थे, 7 लोग थे जिसमें से संजय नहीं आ सकता, सारन नहीं आ सकता. इस प्लेस की बात कर रहा हूं, इस प्लेस पे कौन आ सकता है, ठीक है, विजय नहीं आ सकता, सतीश नहीं आ सकता. तो 1 2 3 4 लोग ये, और जोसेफ और केविन भी नहीं आ सकते. तो 4 5 6 लोग तो यही हो गए केवल केवल. ठीक है, जो सातवां बचा एक पर्सन समीर नाम का, वो यहां आ सकता है, ऑफ कोर्स आ सकता है, क्योंकि देखो 6 के 6 लोग तो ये हो गए, सातवां आपका समीर हुआ. अच्छा, जोसेफ और केविन क्यों नहीं आएंगे, क्योंकि जोसेफ और केविन तो इवन प्लेस पे आएंगे, इवन एज पे आएंगे, ये तो 45 है, ऑड है. यहां पे मैं कंफर्म कह सकता हूं कि ये हो जाएगी समीर की एज. ठीक है, अच्छा, अब समीर की एज जैसे ही पता चलेगी तुरंत याद आएगा कि समीर माइनस 6 करेंगे, 45 माइनस 6 करेंगे तो एचआर की एज आ जाएगी, दैट इज 39 मतलब आपका होता है 1979 और ये हो जाएगा आपकी एचआर के लिए प्लेस. ठीक है, अब एक बात बताओ आप कि जोसेफ और केविन को तो इवन प्लेस पे लिखना था, तो यहां पे तो आ नहीं सकते जोसेफ और केविन यहां पे भी, क्योंकि ये तो ऑड है. अब बचा या तो ये यही दोनों ऑड है. जोसेफ यहां नहीं आएगा क्योंकि यहां पे लिखा हुआ है कि जोसेफ इज नॉट इंजीनियर, इज नॉट एन इंजीनियर, कहां लिखा है, इज नॉट एन इंजीनियर. तो यहां पे आ जाएगा आपका केविन, ठीक, और यहां आपका आ जाएगा जोसेफ. जैसे ही जोसेफ आएगा तो एक लास्ट पर्सन सतीश बचता है, सतीश यहां आ जाएगा. पर्सन हो गए, एज आपको करनी है कैलकुलेट. ठीक है, तो क्या बोला जाएगा कि विजय की एज अगर देखा जाए निकालनी है, तो मुझे पता है कि टीचर प्लस इंजीनियर करेंगे तो विजय की एज आ जाएगी. अच्छा, अब इंजीनियर की एज क्या है, 28 प्लस कितना करे कि विजय की एज आ जाए, बट लेकिन इस तरीके की आए कि वो 68 को एक्सीड ना करे. बात को क्लियर समझ में आ रही है. तो देखो यहां पे हम कह सकते हैं कि टीचर कौन हो सकता है, ठीक है, टीचर कौन हो सकता है. तो टीचर देखा जाए तो 45 पे अगर हम सोचेंगे तो 45 प्लस 28 करो, 45 प्लस 28 कितना था, 8 4 8 5 13 3, तो 4 2 6 1 7 73, ये कट्टा ही नहीं हो सकता आपका टीचर. ठीक है ना, और क्या टीचर ये 57, अरे एज ही एक्सीड कर जा रही है 68 से ज्यादा नहीं, तो टीचर हम ये कह सकते हैं टीचर. ये फाइनली मेरे पास यही ऑप्शन बचता है, तो 36 करेंगे, 8 6 14 4 1 3 2 5 1 6 64 आ रही. तो विजय की एज क्या आ गई, 64 आ गई. अब 64 आ गई तो मतलब ईयर क्या आ जाएगा, 1954 आ जाएगा. ठीक है ना, अब एक ये पोजीशन बचती है और एक ये पोजीशन बचती है, पर लास्ट लाइन में देखो क्या बोला था, द वन हु इज एन आर्टिस्ट, जो कि जो आर्टिस्ट है वो बड़ा है किससे, मैनेजर से. तो 57 और 45 कौन आर्टिस्ट होगा, आर्टिस्ट वाला बड़ा होगा, तो ये रहा आपका आर्टिस्ट, क्योंकि ये एज में बड़ा है और मैनेजर आपकी एज में छोटा है.
तो आपने persons, age, year और professional allot कर दिया। अब हम इसके ऊपर हम 5 क्वेश्चन लगाएंगे, ठीक है, चलो देखते हैं। ये रहा क्वेश्चन का सेट, which of the following will be the birth year of Vijay? देखा इधर टेबल में अपने कि नहीं, विजय आपका 1954, तो ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट। व्हाट इज द एज ऑफ द वन हु इज टीचर एंड द वन हु इज मैनेजर इज रिस्पेक्टिवली? टीचर मैनेजर 36, 45, तो ऑप्शन नंबर ई विल बी द करेक्ट आंसर। Which of the following is correct? Saran is manager? No, it is not correct. The one who is artist is born before the one who is doctor. Means artist आपका senior हो गया doctor से, but यहाँ देखा जाए तो artist तो हमारा छोटा है doctor से, तो statement गलत है। The one who is HR was born before, just after the Sameer. HR आपका 39 का है और Sameer आपका 45 का है, नहीं समीर के बाद ही सतीश आया है, तो ये भी स्टेटमेंट गलत है। लास्ट स्टेटमेंट कहता है कि द सम ऑफ डिजिट्स ऑफ बर्थ ईयर ऑफ सारन एंड केविन इज इक्वल। सारन ये रहा और केविन केविन ये रहा, ठीक है। 1982 बर्थ ईयर है और ये कह रहे हैं 1990 बर्थ ईयर है, ठीक है। द सम ऑफ डिजिट्स, तो इनको सम करना, 8 2 10 10 1 9 आपका 11 11 9 1 20 आता है, और यहाँ किया तो 9 1 10 और 10 प्लस 9 1 19, तो ये क्या इक्वल है? नहीं इक्वल है, तो ये भी कैंसिल हो गया। आंसर क्या है? नन ऑफ द गिवन ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक है। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू? टू पर्सन वर बॉर्न बिटवीन जोसेफ एंड सतीश। जोसेफ इज 2002, ठीक है, 2002 एंड सतीश इज 1979, सो इन बिटवीन टू पर्सन वर बॉर्न। लेट्स सी 1979 के बाद वाला देखना, तो ये नहीं है, ये भी नहीं है। हाँ, एक पर्सन मिल गया ये वाला केविन, और ये भी मिल गया 82 वाला, तो सेकंड पर्सन भी मिल गया, और 1961 भी नहीं है, तो दो ही पर्सन हुए ना, 2002 और 1970, तो ये स्टेटमेंट ट्रू है, ठीक है। द नंबर ऑफ पर्सन बॉर्न बिफोर द वन हु इज टीचर एज सेम एज द नंबर ऑफ पर्सन बॉर्न आफ्टर द वन हु इज मैनेजर। तो कह रहा है कि द नंबर ऑफ पर्सन बॉर्न बिफोर द वन हु इज टीचर, सो टीचर क्या है? 36 है। 36 से पहले तो कितने लोग थे? 82 से पहले कितने लोग हैं? 1 2 3 और ये 4 लोग हैं, इज इक्वल टू द नंबर ऑफ पर्सन बॉर्न आफ्टर द वन हु इज मैनेजर। मैनेजर क्या है? 73 के बाद कितने लोग बॉर्न हुए हैं? आपका 1 2 3 4 यही लोग बॉर्न हुए हैं, तो ये तो इक्वल है, स्टेटमेंट सही है, ये स्टेटमेंट सही है। लास्ट स्टेटमेंट को भी चेक कर लेते हैं। द डिफरेंस बिटवीन द समीर एंड संजय इज 12 ईयर, तो समीर आपका कितना है? 57 का है, ठीक है, और संजय आपका कितनी एज का है? संजय तो आपका 57 का हो गया, समीर आपका 45 का। यार ये तो 12 मुझे दिख रहा है, तो स्टेटमेंट 3 भी मेरा ट्रू है, तो ऑल स्टेटमेंट 1 एंड 2 3 इज सही है, ठीक है। तो आई होप आपको पजल पसंद आई है। अगर आप चैनल पहली बार, तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे।